हेलो व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका जुम्मू किचन में। मैं जा रही हूँ आज चिकन कोरमा बनाने। तो देखिए मैं उसके लिए क्या क्या ले रही हूँ, क्या क्या लगेगा इसमें। तो चिकन है 1 किलो, और 1 किलो चिकन है, 200 ग्राम दही है, बाकी 1 प्याज कद्दूकस करके बड़े साइज़ का कद्दूकस कर दिया बारीक मैंने। 3 प्याज मैंने गोल्डन ब्राउन किया है, गोल्डन किया मैंने, इसको अलग रख लिया करके। मसाले में हमारे हैं गरम मसाले, खड़े सारे हैं, प्याज, जीरा है, दालचीनी है, बड़ी इलायची 1 है, छोटी इलायची 3-4 है, लौंग है 4, और तेजपत्ते हैं 2। सूखे मसालों में आपको लगेगा धनिया, काली मिर्च, लाल मिर्च, हल्दी और देगी मिर्च, और आपको ये नमक, ये सारी चीज़ें लगेंगी। तो मैं दिखाती हूँ पहले क्या करूँगी। चिकन को मैंने अच्छी तरह से धो लिया है। ये इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट भी है, 2 चम्मच, बड़े चम्मच से है, तो टेबल स्पून, तो 2 चम्मच ये रख लीजिएगा, ले लीजिएगा। अब मैं तेल गरम कर दिया, मैंने गैस पे तेल रखा, गरम किया, अब चिकन धुल गया है, इसको मैंने इसमें डाल के थोड़ा सा इसको फ्राई करूँगी, ज़्यादा नहीं, हल्का चलाऊंगी, इसे कलर चेंज हो जाएगा, फिर निकाल दूँगी। चिकन हमारा फ्राई हो गया है, अभी से मैंने निकाल दिया एक बाउल में, फिर दोबारा से मैंने कढ़ाई रखी है गैस पे। कढ़ाई में मैंने तेल डाल दिया है, अब इसमें सारे वही खड़े मसाले डाल रही हूँ गरम। एक प्याज जो मैंने कद्दूकस किया था वो डाल दिया, प्याज 2 मिनट हो गया, इसको मैंने 2 मिनट चला लिया। अब इसमें अदरक लहसुन की पेस्ट डाल दूंगी, और इसमें कलर लाने के लिए देगी मिर्च मैं डाल रही हूँ, तीखा नहीं होता ये, कम तीखा होता है, तो 1 टीस्पून डाल दीजिएगा। हाफ टी स्पून हल्दी, 3 टीस्पून धनिया भर के, 1/2 टीस्पून काली मिर्च, 1/2 टीस्पून और मिर्च, जितना खाना है आपको, कैसा खाते हैं उस हिसाब से मैंने 1/2 टीस्पून डाला अभी, आप अपने हिसाब से रखें जितना तीखा खाना आपको उस हिसाब से, और सिम करके गैस मसाले को भुनने दीजिए। मसाला भून गया हमारा, अब इसमें चिकन डाल दीजिए। नमक डाल दीजिए, नमक मैंने बिल्कुल नहीं डाला है, नमक डाल दीजिए, नमक हिसाब से डालिए। इसको 2-3 मिनट भून लीजिए। गैस कम कर दें, इसको 2-3 मिनट भूनने दें, चिकन गलेगा ना। ये काजू डाल दें, काजू का पेस्ट है, 10-12 काजू हैं, मैं भूल गई थी बताना, आप काजू भी डाल सकते हैं, खसखस भी डाल सकते हैं, नारियल भी जाता है इसमें, तो नारियल बच्चे खाते नहीं हैं,
और खसखस हर जगह नहीं मिलता, तो इसलिए मैं काजू डाल रही हूँ। तो काजू पेस्ट है ये। दो मिनट चला के फिर मैं इसमें दही डाल दूंगी। ये हमारा हो गया, काजू डाल के मैंने भून लिया थोड़ी देर, और इसमें दही डाल दूंगी। 200 ग्राम दही है ये, फेंट के डालें बिल्कुल। दही डाल के आप मिला लें इसको। पांच मिनट दही में पकने दें। ये गैस तेज किया हुआ मैंने, तेज गैस पे, क्योंकि ये दही पानी छोड़ देता है, इसमें पानी हो गया, तो इसको सूखने दें करीब 5 मिनट इसमें पकने दें इसी में। फिर उसके बाद ये प्याज जो मैंने ब्राउन किया था, 3 प्याज ब्राउन किया था, उसको मैंने बगैर पानी के मिक्सी में दरदरा पीस लिया है, बिल्कुल बारीक नहीं पीसना है, दरदरा। ये लास्ट में डालूंगी, दिखाऊंगी मैं डालूंगी जो। ये दही डाल के भून गया हमारा, तेल छोड़ दिया बिल्कुल। अब इसमें मैं प्याज डाल दूंगी, जो प्याज मैंने दरदरा करके रखा था वो डाल दिया मैंने। बस एक मिनट चला के मैं इसमें पानी डालूंगी, क्योंकि ये तो प्याज फ्राई ही है, इसको पकाने की ऐसी जरूरत नहीं है। बस इसमें पानी ऐड कर लीजिए अपने हिसाब से, जितना डालना हो। अभी मैं और डालूंगी में। ये हमारा चिकन कोरमा रेडी हो गया है। चिकन कोरमा रेडी है, काफी टेस्टी है, टेस्टी होता है ये, आप लोग बना के खाइए और एंजॉय कीजिए। अच्छा लगे तो मुझे सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और बाकी मिलती हूँ मैं दूसरे वीडियो में।